सारी दुनिया जानती है। कौन सा एंटीसेप्टिक? सबसे पहले तो डेटोल, सेवलॉन, टिंचर आयोडीन, बीटाडीन, आदि। पूर्तिरोधी और भी संक्रामक लगभग लगभग एक से ही काम करते हैं। ये भी घाव वाव को साफ करके और उसे कोशिकाएं कोई कोशिका नष्ट हो जाती है उसे रिपेयर करते हैं। खासियत क्या होती है कि जो जीवित कोशिका नहीं है, बी संक्रामक जो होते हैं ये, हाँ ये लेकिन साथ में जीवी उत्पन्न देते हैं। लोग कहते हैं एसिड में वो कहते हैं ना में फिनाइल हार्ट का होता है, बच्चों को वहाँ पर जाने मत देना, ऐसा छुओ मत, हाथ कट जाएगा, हो जाएगा तो वो वाकई में कट जाता है। आप नॉर्मल जल की मात्रा उसमें अच्छी खासी हो जाती है, बिलियन होते हैं वो, लेकिन किसी घाव पर पड़ जाएगा ना तो उसे जलाना शुरू हो जाता है। तो इसलिए फिनाइल वगैरह हो गया, एसिड या वो सब भी संक्रामक होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जितने हानिकारक जीवाणु होते हैं ना उन्हें नष्ट करते हैं। जैसे फर्श पे फर्श को क्लीन कर रहे होते हैं, फर्श पे जितने तुम्हारे हानिकारक लाभ लिखेंगे मारने करने जैसे ये सब मेड इन इंडिया लग गई फोन निकल जा पिज्जा लड़के कौन सी फिल्म में बांधा है, लड़के ये डॉक्टर ये कहेगा किससे ले जाए, भागा फिरता रहता है। अरे रुक जाओ, बस रुक जाओ। सल्फर ड्रग्स, सल्फर ड्रग्स इसमें लिखेंगे वे औषधि
औषधि जिनमें सल्फेनिलामाइड समूह समूह पाया जाता है, सल्फेनिलामाइड समूह पाया जाता है और जिनका प्रयोग प्रयोग जीवाणु जनित रोगों जैसे उल्टी कोमा पेचिस कोमा यूरिन संबंधी रोग आदि आदि में किया जाता है, सल्फर ड्रग्स कहलाते हैं। ये चित्र बनाओ और ये लिख देंगे सल्फा प्रेडीन आदि। सल्फर ड्रग्स का इंग्लिश में सल्फर ड्रग्स ही कहते हैं। इसके बाद हेडिंग आ जाता है, देखो ये प्रतिअम्ल एंटी एसिटिक अगला हेडिंग सल्फा हाइड्रोजन सल्फा प्रेडीन आदि। बहुत होते हैं, मैथिल वैथिल से बनने वाले होते हैं, बहुत सारे होते हैं। फिनाइल इसने लिखवाया क्योंकि तुम फिनाइल को सब जानते हैं ना, मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों के उसमें होता है ना। प्रतिअम्ल में इसलिए वे औषधि प्रतिअम्ल में एंटीएसिडिक वे औषधि जिनका प्रयोग शरीर में अम्लता बढ़ने के लिए किया जाता है, बढ़ने में किया जाता है। प्रतिअम्ल कहलाते हैं।
जैसे मैं सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। देखो भाई सुनो, तुम्हारी रियल लाइफ से संबंधित चीज़ है ये और ज़्यादा संबंधित है। हमारे शरीर में जब भी कभी हम खाना खाते हैं वो सब पचाने का काम कौन करता है? पचता कैसे है? खाना गया और गायब हो जाएगा, फिर कहाँ जाता है? उसे गलाता कौन है? हमारे से पित्ता गलाता है, मुंह की लार। लीवर, लीवर तो बेचारा किसी ना, जो फैक्ट्री का सिर्फ मुझे बताना है। अब वो समझ गए, और किसी को फालतू बात करना खुजाटा बाहर निकल लो, सिर्फ मुझे बताना है जो बात करनी है। तो आलतू फालतू नहीं बोलना है। अगर हमारे शरीर में लीवर का काम सिर्फ इतना होता है जैसे कि किसी फैक्ट्री का मैनेजर। अब देखो मैनेजर फैक्ट्री में कितना काम करता है, ऑफिस में बैठ के वो कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ ऑर्डर देता है कि आप तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो। तो लीवर का काम शरीर में इतना ही है, जितने भी हमारे शरीर में पार्ट्स हैं वो सबको ऑर्डर करता है, और सबसे ज़्यादा ऑर्डर करता है किडनी को, ठीक है जी, कि तुम ब्लड साफ करो। और जरासी ब्लड में दिक्कत आती है तो उसे ऑर्डर करता है कि सही से साफ करो, इसमें शिकायत आ रही है, ठीक है जी। और ब्लड में खराबी होती है, हाँ शिकायत आ रही है भाई, बाहर से डॉक्टर से भाई उसके लिए मेडिसिन भेजा जा रहा है, तुम इसे सही से साफ करो, ये होता है। अब अगर ब्लड में गड़बड़ी हो जाती है, गड़बड़ होने का मतलब है वो सही से साफ नहीं हो रहा है, तो उसमें तमाम वो मैं अभी रिपोर्ट जो बता रहा था सारे रोग उसके अंदर आने शुरू हो जाएंगे, ये होता है। और फिर शरीर में जितने भी रोग होंगे वो सारे शुरू हो जाएंगे बनने। तो लीवर का काम नहीं होता है। दरअसल हमारे शरीर में पित्त से निकलता है HCL और HCL जाता है अमाशय में। अब हमने जो खाना खाया, देखो हमारे शरीर की खुराक थी, अभी मैं बता रहा था, सोचो 300 ग्राम। कोई व्यक्ति जो है नॉर्मली घर में 250 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम तक खाना खा लेता है। अब 300 ग्राम की किसी की लिमिट है तो पित्ते से उतना ही HCL आएगा, HCL आएगा इसे गला देगा, खाना पच गया, 2-3 घंटे में खाना पच जाता है। उससे जो हमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह एनर्जी मिलनी चाहिए थी वो सब मिल गई, शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए थी वो सारी मिल गई उसे, अब उसका काम हो गया है, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन आती है यहाँ से आगे को, ये तो नॉर्मल लाइफ हो गई। अब नॉर्मल लाइफ होने का मतलब है कि उसे शरीर को 300 ग्राम खाने की ज़रूरत थी, लेकिन उस व्यक्ति ने जो है वो 200 ग्राम खाना खाया। बहुत सारे लोग कहते हैं खाना कम खाना चाहिए, कम खाने का मतलब 200 ग्राम खाना खाया। अब HCL तो रोज़ जितना निकलना था इतना निकलना था, अब वो HCL आ गया। अब HCL जो था सोचो यहाँ मान के चलो 10 ml HCL आता था इसे गलाने के लिए, तो वो तो आज भी 10 ही आएगा, ऐसा ना आज तुमने कम खाना खाया तो आज नहीं आएगा वो, तो 10 ml फिर दोबारा सब आया। अब उसने देखा कि सिर्फ 5 ml इसे गलाने में लगा, अभी 5 ml इसके अंदर बचा रह गया अमाशय में हमारे, तो क्या हो गया? अम्ल बच गया। जब अम्ल बच गया तो अम्लता हो गई है, अब शरीर में अम्ल बढ़ गया है। तो तुमने देखा कभी कभी खाना खाते हैं थोड़ी देर बाद जब सो जाते हैं या रात में या कभी भी, क्या होता है कि मिर्ची वाली डकार आती हैं, देखा ऐसे जलन जलन सीने पर, जलन सी होती है क्या, कुछ बोल सकते हैं जलन होगी सीने पर, होता है ऐसा कभी? तो जलन होती है, जलन होने का मतलब ही होता है कि अम्लता बढ़ गई है। जब अम्लता बढ़ गई है तो इसके निदान के लिए घर में जितनी भी क्षार की चीज़ें रखी हैं उनमें से कोई सी भी चीज़ खा लो सबसे जल्दी ठीक हो जाएगी, इलाज की कोई ज़रूरत नहीं होती इसमें। बहुत सारे लोग चले जाते हैं इसमें लिए, हाँ दही भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीठी चीज़ों में छार एकदम से मिल जाता है। तो जैसे कोई भी चीनी होती है या बतासे वगैरह होते हैं, मिठाई होती है, गुड़ वगैरह, वो खा लो। और बाकी ये हैं सब, खाने वाला सोडा है, धोने वाला सोडा नहीं है वरना वो तो काट कूट देगा, खाने वाला सोडा, इसमें से कोई सी भी चीज़ रखी है तो वो खा लेते हैं। अब अम्ल को उदासीन कौन करेगा? क्षार, ध्यान से देखो सारे क्षार ही हैं, तो इसलिए ये खा लो। और वो मुश्किल से मान के चलो 15-20 मिनट में सब ठीक हो जाता है। हाँ तो ये हो गया। अब इसका अपोजिट सुनो, अपोजिट ये है कि हमारे शरीर को 300 ग्राम खाने की ज़रूरत थी, ठीक है जी। अब 300 ग्राम तो हम खाते थे, लेकिन हम चले गए किसी शादी में, अब वहाँ शादी में खाना था भैया फ्री का, वो तो फ्री का ही होता है, पैसे थोड़े ना दे रहे हैं उसमें। देखो एक हमारे यहाँ इंडिया में पैसे शादी में दो तरीके से दिए जाते हैं, कि एक तो इस पर्पज से दिए जाते हैं कि जितने हम दे रहे हैं ये वापस देगा हमें जब हमारे यहाँ होगी, इस पर्पज से।
दूसरा इस पर्पज से देते हैं कि चल वापस नहीं भी देगा तो इतने लोग चलेंगे कि जितने दे रहे इतने वसूल कर गांग में। इसके अलावा तीसरा कोई रीजन नहीं है। अब हिसाब देखेंगे, अकेला गया तो 100-200 टिकाइएगा उसे, ठीक है जी। और घर के 5-6 लोग गए तो यार चलो भाई 100 रुपये प्लेट के हिसाब से भी जो हिसाब अंदर अंदर कैलकुलेशन लगाता है, 5 लोग आए यार चलो 500 तो दे ही दो, और 10 लोग भी आए ना तो भी 500 ही दे दो यार, चल क्या दिख रहा है आपको, गिन थोड़ा यार, ठीक है। और चाहे वो उसमें क्या कहते हैं मटर पनीर खा गए 500 रुपये का, पेल का खाते हैं भाई साहब, क्यों खाते हैं, मटर साइड में कर देंगे और पनीर निकाल लेंगे उसमें से, और पीछे वाला घूर के देख रहा होता है अबे सारा ही लेके छोड़ेगा क्या साला, मेल नहीं तो छोड़ दे, ये उसके दिल की बात होती है, पीछे वाला ध्यान दे देता है। अच्छी पता है हमें। अब मैंने सारी बीमारियों के बारे में बताया था, तुम सोचोगे बीमारी मुझे हो रखी होंगी है ना, या कोई और मैं बात बताता हूँ, तुम्हारे पापा तुमसे कहें, हाँ ये इसे कहते हैं साइकोलॉजी। मुझे तुम्हारे दिल की बात पता है, मैं बहुत सारे लोग यहाँ बैठे रहते हैं, मुझे ये भी पता था कौन पढ़ लिया कौन ना पढ़ लिया, अब मैं उससे पूछ रहा हूँ तू पढ़ लिया, लेकिन मुझे पता होता है कि ये नहीं पढ़ लिया, और मुझे ये भी पता होता है कि किसका ध्यान है किसका नहीं है, या कौन मुझे सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, ये भी पता होता है कि कौन पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा है और कौन फालतू में बैठा है, और ये भी पता होता है कि किस दिन ये पढ़ाई आज कर रहा है और किस दिन नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें पता होती हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं पता हो ना तो दुनिया में उससे बुरा टीचर नहीं है जो बच्चे की साइकोलॉजी ना समझे। सारे बच्चे क्लास में बोलते नहीं है लेकिन उसकी शक्ल देख कर समझना चाहिए, क्योंकि बीएड में भी एक सब्जेक्ट अलग से साइकोलॉजी का होता है, तो होता है ये समझना चाहिए। अन्ना हाँ जी, अब काम की बात सुनो, ये जितने भी चीज़ें बता रही है फालतू की बकवास थोड़ा ना, कहानी थोड़ा ना, ये तुमसे रियल लाइफ से जुड़ो भी चीज़ें। अब हो सकता है 2-4 को अच्छी नहीं लग रही हो लेकिन बहुत सारे को अच्छी लगती हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें आगे चल के दुनिया में इस दुनिया में इस समाज में रहना है, और उन्हें डॉक्टर से लुटना नहीं है। मैं हमेशा डॉक्टर के खिलाफ रहता हूँ, समझिए क्यों, क्योंकि वो एक के बदले 4 जो आते ना वो गलत है, 1 के बदले 2 ले लो ठीक है, लेकिन 1 के बदले 4 नहीं लेने चाहिए, ठीक है। अभी हमारे देखो एक हॉस्पिटल में हमारे यहाँ से बच्चा भी वहाँ नर्सिंग में लगा हुआ है, तो अभी 2-3 दिन पहले वो कह रहा था कि रात में केस आया, उसका प्रेग्नेंट लेडी थी और वो अचानक में उनके दर्द वगैरह हुआ होगा पेट में जो भी है, अब वो आया, आके उन्होंने रात के 3 बजे एडमिट किया, हम तो सो रहे थे, अब हमें डांट डूट के उठाया उन्होंने, वो जल्दी वो केस आया और उन्हें एडमिट किया। देखो 50% पेट में दर्द जो होता है ना वो गैस के कारण ही हो जाता है, 50% छोड़ो 70% गैस के कारण होता है, लेकिन बेचारे को नहीं पता होता, गाँव देहात में छोड़ो बड़े बड़े शहर में नहीं पता होता कि दर्द क्यों हुआ है, ठीक है ना जी। देखो 50% दर्द तो पानी पीने से खत्म हो जाते हैं, बहुत सारे घर में ऐसे लोग वगैरह रखनी चाहिए, फॉर्मलिटी दवाई होती है ऐसे लोग रखनी चाहिए, खा के देख लो, 150 वाली रखो 300 वाली रखो, रख के देख लो ठीक होना होगा, 10 मिनट में ठीक हो जाएगा। कुछ दर्द पथरी के होते हैं, पेट में दर्द में कोई भी डरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब किसी का दर्द होता है ना तो सारे लोग हपड़ धपड़ होते हैं, खासकर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो और वो घर में नई बहू बन गई हो तो सारे एकदम से हो जाएंगे, अरे मरे सालों क्या हुआ, हाँ अरे पेट में दर्द हुआ, हाँ लेकर चलो कार एम्बुलेंस तो आएगी, 2-4 पीछे से आ रहे होंगे और 10-12 मैं के सारे होंगे और 2-4 रिश्तेदार पहुंच गए होंगे। हाँ जी हाँ, उसमें घबराना, देखो घबराना 2 तरीके से है, एक तो वो दूसरे घर से आई है तो इन्हें फिक्र होती है क्या, अगर जो कुछ हो गया तो सारा हम भी पड़ेगा, समझ गए, उन्हें फिक्र होती है हाय हमारी लड़की दूसरे कहाँ गई है, कहीं वो इलाज करवा में ना करवा में यार बड़ी दिक्कत है जी, इसलिए हम चल रहे हैं। तो एक लड़की होगी ठीक है, और उसमें कम से कम 20-25 के आसपास हॉस्पिटल घेर के खड़े हो जाएंगे, डॉक्टर के हत्ते पत्ते छूट जाते हैं बड़े सारे पब्लिक है यार। तो उसमें देखो मैं हमेशा इसलिए खिलाफ रहता हूँ, खिलाफ रहने का कारण था कि अब उसके लिए वो आई रात के 3 बजे एडमिट हुई, अब नॉर्मली अब उसे क्या था, सबसे पहले बहुत ही मामूली और नाक के बराबर मेडिसिन लगाते हैं जितने भी MBBS डॉक्टर होते हैं, वो तो झोला छाप लगाते हैं 650 mg डायरेक्ट मार देंगे, बहुत मामूली मेडिसिन लगा के चलते हैं शुरू में, सिर्फ ऐसे लोग टैबलेट दी वगैरह, सिर्फ मैंने दी वो टैबलेट भी जाके, ऐसे लोग दी टैबलेट और टैबलेट देने के बाद मैं वो दर्द ठीक हो गया, ठीक है जी। तो मैडम आई नहीं थी, हमने मैडम को उनका मैम वो दर्द तो ठीक हो गया है आराम, उन्हें पहले से बेहतर बता रही हैं तो उन्हें भेज दें, तो उन्होंने कह तेरा बाप देगा तेरी सैलरी है, अबे सैलरी कौन देगा तुम्हारी, अगर तूने उसे अभी डिसमिस कर दिया इमरजेंसी में भर्ती कर और एक डिप लगा और ये लगा और वो लगा करने के बाद, हाँ जी सुबह तक उनका 5,000 का बिल हो चुका था, ठीक है, जबकि वो मात्र हिसाब भी लगाओगे ना तो मुझे लगा 25 पैसे की टैबलेट है, वो 25 से भी कम की पड़ेगी वो, और कभी कभी तो तुम लेने जाओगे तो फ्री दे देंगे तुम्हें वो, ऐसे लोग 10 रुपये में भी और कम से कम 20-25 मेडिसिन मिल जाती हैं।
अब उससे ठीक हो गया, अब सोचो इतने का बिल हो गया, अब बताओ ये एक गुना नहीं, दो गुना नहीं, तीन गुना, चार गुना नहीं, अब बताओ कहाँ तक होगा, कितने गुना हो गया। तो इसलिए कह रहा हूँ छोटों में भी यही होता है, सब में यही होता है। हमारा अपना इंस्टीट्यूट है, हम खुद डॉक्टर बनाते हैं, खुद नर्सिंग स्टाफ बनाते हैं, सबका पता होता है हमें, लेकिन हम कितना किसी से भी कहेंगे कि भाई देखो भाई ईमानदारी से काम करियो, कसम भी खिलाओ कुछ भी, लेकिन जितनी खिलाओगे उतना ही करेंगे हैं। जितने पुलिस वाले जब अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में जब उन्हें शपथ दी जाती है कि तुम ईमानदारी से सेवा करोगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करोगे, तो उतनी बेईमानी से सेवा करेंगे, उतना ही भेदभाव करेंगे। किसी गरीब को नहीं सताओगे तो बस गरीब को ही सताएंगे, ठीक है जी। अच्छी जाके मिलो पुलिस वालों से, तब तुम्हें ईमानदारी दिखाएंगे। एक बात देखो, एक हमारे यहाँ का पूरा समाज का एक नेचर पता है क्या है, हमारे समाज में एक नेचर है कि जितना ज्यादा गरीब होगा उससे चीज उतनी ही महंगी मिलेगी, जितना अमीर होगा उतनी ही सस्ती मिलेगी, और कभी कभी फ्री मिलेगी, समझ गए जी। जितना अमीर आदमी होगा तुम उससे कोई चीज लेने चलो, अरे यार साहब आपसे कैसे पैसे यार, अरे साहब, अरे अरे यार, हाँ जी। और गरीब होगा, हाँ दिल नहीं तो 5 रुपये छोड़ूंगा मैं, पूरे इतने की पड़ेगी, 120 रुपये किलो, 120 रुपये की पड़ेगी भाई साहब, ये होता है। और जबकि उल्टा होना चाहिए था, गरीब को एक बार को फ्री दे देता है ना, अमीर से तो और दुगने ले लेता, अच्छी बात थी, लेकिन अमीर को सस्ती मिलेगी। अगर कोई भी चीज़ है सकल देखता रेट आधे हो जाएंगे, और कभी कभी तो वो भी ना होंगे, अरे यार बाबू जी कैसी बातें कर रहे हो यार, आपसे पैसे कैसे ले लेंगे हम। और यही यही हॉस्पिटल वगैरह में भी होता है, मेडिकल में भी होता है, किसी भी लाइन में चले जाओ, जितनी ज़्यादा तुम्हारी बात होगी, जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही कम खर्च होगा, और जितना नहीं होगा ना उतना ही ज़्यादा खर्च होगा। मैं कभी भी एकदम से अचानक में एंट्री नहीं करते ना, पहले हमारे पूरा सेटअप बिठा देते हैं, वहाँ हमें जाना है, हैं जी। देखो वहाँ ना कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, लोग मिल जाते हैं, अभी हम वहाँ KBR हॉस्पिटल में गए, अब KBR हॉस्पिटल जैसा हॉस्पिटल, उसमें पर्चा कहीं से दो, दवाई कहीं से निकल कर आ रही है, बिल कहीं से आ रही है। अब मन की यहाँ तो हमारा कुछ चलना है नहीं, हम तो भैया चुपके से अपना पर्चा दिए, मन की यहाँ कहाँ का स्टाफ चलेगा। अब वो जो दवाई पैक कर रहा था ना, वो हमारे यहाँ का पड़ा हुआ नाम गढ़ का, अब अरे सर आप कैसे, अरे यार आएगा यार तुम यहीं है क्या ना, अरे मन की तो हाँ, अरे सर आपका कोई पर्चा क्या, हाँ अरे अभी लैस करवाता हूँ मैं, अरे भैया करवा दे। अब बता, जबकि हमारे तो उम्मीद नहीं थी, लैस हो रही है तो अच्छी बात है, जबकि मैं सोच रहा था अगर लैस नहीं भी करता तो हम तो पूरे पैसे दे देते, 1100-1200 रुपये का मेडिसिन का था तो दे देते। अब ये सोचो कि एक नॉर्मली हमसे कोई लो कैटेगरी का आदमी कोई भी होगा, जो बेचारा इतना पैसे में समर्थ नहीं होगा, उसे वो छूट मिलनी चाहिए थी, तो उसके लिए बेटर होता। अब 1100 रुपये की जगह 800 रुपये में पड़ी, ये होता है। हम इतने कैपेबल थे कि हम 1100 रुपये दे देंगे। बहुत सारे लोग, मैं वहाँ बैठ के ऐसे देख रहा था कि वो देखो पैसे की हालात देख के मैं बता सकता हूँ कि इसके घर में कितना पैसा होगा। पैसे, अबे सुनो सर, पैसे तुम मेरे ला के हाथ में ऐसे रख के दिखाओ, ठीक है ना, मैं उन पैसों को देख के बता दूंगा कि इसके घर में जो पैसे रखे होंगे वो कितने होंगे, ठीक है ना। तो एक लेडी, बहुत अंदाज होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम भी सीख जाओगे धीरे धीरे। कोई भी लेडीज है, कोई भी आदमी है, अगर वो पैसों को धीरे धीरे गिन रहा है, ठीक है ना जी, और वो ना बड़े ही मोड़ मार के रख रखे हैं या बड़ी हिफाजत रखे हैं और एक एक करके गिन रहा है, उसके पास पैसे कमी है, और जब फटाफट फटाफट अरे यार लो यार अच्छा हो गया वो, और पैसे बहुत ज़्यादा एक सारे चिकने हैं, हवा नहीं लगा हुई है, बहुत पैसा है समझ लो, ठीक है, बहुत मुड़े हुए हैं, टुकड़ों में पैसे आ रहे हैं, 10-10, 20-20 रुपये के नोटों में है, छोटे नोटों में है, गलों में नोट हैं, बहुत सारी इन चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ तो अभी तुम मार्केट में जब जाओगे तो धीरे धीरे सीख जाओगे, कुछ चीज़ें हम बता नहीं सकते कि सिर्फ देखने से पता चलती है अच्छा इस पे है। अब उसमें क्या किधर है सर रखते देखो हॉस्पिटल है, अरे सुनो इधर हॉस्पिटल की बात मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, उसमें यह तो मैडम ने वो पर्चा लिख दिया, अपनी वाइफ को लेकर आए थे, वो पर्चा लिख दिया, वो कह रहे मैम को जांच वगैरह नहीं अभी तो कोई ज़रूरत है नहीं, वो आप सिर्फ ये मेडिसिन ही ले लो, और वो दे दिया। और उन्हें पर्चा उठाया, मैडम की निगाह जो है वो उस पर चाबी थी उसके हाथ में, कार की चाबी उन्होंने निकाली ना, ठीक है मैडम चलो ना, बेवकूफ ने चाबी उसी टाइम निकाली मैडम के सामने, ठीक है। अब मैं, हाँ जी मैडम जो है, अरे अच्छा ये कार शायद है, अच्छा एक काम करो फिर अल्ट्रासाउंड करवा ही लो। अब वो अल्ट्रासाउंड उसने 1000 रुपये का 900 रुपये कराया होगा, 450 रुपये मैडम के अकाउंट में आ गए होंगे, ये होता है। तो अगर वो ना दिखाता तो वो उसके बचने थे, ठीक है, अब वो बचने थे। अब बहुत सारे तुम कहोगे देखो ना सब तुम ऐसे लूटते, देखो जब हम मार्केट में निकलेंगे तो भाई हर कोई लूटने के लिए बैठा है,
क्योंकि उसे भी पेट दिया है, अब वो हर कोई अपने हिसाब से लूट रहा है। अब समस्या क्या है, जैसे कि हमें अल्ट्रासाउंड ही करवाना है किसी का, तो अब एक तो हम अपना खुद भी रेफरेंस लिख लेते हैं, अगर कोई वो उसका मान के चलो 1000 रुपये का अल्ट्रासाउंड है तो 600-700 रुपये के आसपास हो जाता है। MRI है, MRI 8000 के आसपास होती है या 7000 के आसपास होती है, हम MRI 4000 रुपये में करवा लेते हैं अपनी, किसी और की भी करवा देते हैं, किसी को करवानी हो तो लिख देंगे तो हो जाएगी MRI, कोई भी हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं तब भी लिख देते हैं। हाँ तो उसमें देखो सर, तुम्हारे दिमाग के MRI हो नहीं, कोई फायदा ना खाली आएगी, अबे दिमाग में कुछ है ही नहीं। तो अगर अगर वो अल्ट्रासाउंड 1000 रुपये का भी था, ठीक है ना, तो 1000 रुपये हम दे देते, कोई बात नहीं थी, लेकिन नॉर्मली देखो हमने छूट करवा ली, ठीक है, लेकिन एक ऐसा गरीब आदमी जितने भी ज़्यादा प्रेगनेंसी केस हो गए या किसी के पेट में दर्द हुआ, पथरी का हुआ, कोई सा भी हुआ, उन्हें 10 रुपये की छूट नहीं करेंगे, समझ गए जी। और क्या होगा, पहले फ़ोन करेंगे हम कि भाई साहब कम नंबर लगेगा हमारा, कोई ना कोई होगा वहाँ, और कहेगा साहब आप जो है 2 बजे आ जाइए, उस टाइम खाली हो जाएंगे, तो करेक्ट टाइम पर जाएंगे, कोई नंबर नहीं लगना, करेक्ट टाइम पर आएंगे, 5-10 मिनट में अल्ट्रासाउंड हो जाता, ना ही लाइन में लगने हैं, ना ही लाइन में लगने हैं, ना ही पैसे एक्स्ट्रा देने हैं, सब कुछ नॉर्मल ही है। लेकिन देखो उल्टा हो रहा है, अगर हमारे साथ एक बार को हमारे पास हमसे ज़्यादा भी ले लेते तो चलो हम दे भी देते एक बार को, लेकिन बेचारे को उसे छूट मिलनी चाहिए, उसे नहीं मिल रही जिसे मिलनी चाहिए, ये होता है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ जिसके बेचारे के जितना बच जाए, जितना छूट जाए ना, अच्छी बात है। चलो जी, हाय कैसे लिखे है ना, अब जब चला जाए से 3 दिन से रोज पूछ रहा है। वो टॉपिक हमारा अधूरा रह गया, सुन लो एक मिनट। अब खाना था, देखो जैसे खाना था 300 ग्राम हम नॉर्मली खा रहे थे, और खाने के बाद 80 किलो से पूरा पूरा गला रहा था, तुमने कम खाया अम्लता बढ़ गई, जिससे हमें प्रतिअम्ल हो गया, ठीक है ना, इसकी एंटी मेडिसिन दे दी हमने, वो ठीक हो गया। अब उल्टा सोचो, उल्टा सोचना ये था कि वही शादी ब्याह वाली बात, कह रहा फ्री का खाना मिला तो 300 तो खाए करें, लेकिन 500-600 खा गए और ज़्यादा, पेट खराब नहीं होता है। अब तुमने ज़्यादा खा लिया, अरे सुनो सर, अब शरीर तुम्हारे हिसाब से जो भी अम्ल निकाला था, तुम्हारा अम्ल जो तुम्हारे हिसाब से तो निकलेगा नहीं, अम्ल निकलेगा वही जो तुम्हारे 10 ml आना चाहिए था वही आया। अब उसमें क्या हुआ,